लिए जिज्ञास हो, मैं आज आपके समक्ष राशियों की श्रृंखला में नौवीं धनु राशि का आपके जीवन में क्या प्रभाव अप्रैल मास में पड़ने वाला है उसको प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। धनु राशि वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ज्ञानी होते हैं, उनको विशेष अगर पढ़े लिखे कम भी होंगे तो भी प्राकृतिक ज्ञान उनके अंदर रहता ही है, और पढ़े लिख जाए तो उनकी विवेक बुद्धि अच्छी रहती है, बहुत तेजी तीव्रगामी उनका विद्या अध्ययन चलता है, अध्ययन में अभिरुचि भी रहेगी, अच्छे कार्यों में हमेशा संलग्न रहते, उनके जीवन में पापाचार दुराचार नहीं होंगे, अच्छी संगति करेंगे, और संगति जो अच्छे लोग उन्हीं से करेंगे, बाकी जैसा किसी से मेल मिलाप ज़्यादा नहीं रखते, वो रखते हैं वो छांट करके एक दो एक सज्जन हैं उन्हीं को सकते हैं। साथ साथ में ये थोड़ा सा इनको ईगो भी होता है, तो उस ईगो के कारण स्वाभिमान के कारण ये विशेष करके कभी कभी अपना नुकसान भी कर बैठते हैं, और गुस्सा इनको प्राकृतिक रूप से रहता ही है, लेकिन गुस्सा भी होगा तो अनीति के ऊपर होगा, कोई अन्याय के प्रति इनको गुस्सा आ जाता है। धनु राशि वाले व्यक्ति इनका अप्रैल मास में क्या भविष्य होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। अप्रैल मास में मुख्य रूप से इनका जो है धन और कुटुंब, इससे संबंध ज़्यादा दिख रहा है। धन के संबंध में और पारिवारिक संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है, और साथ साथ में इनका जो है तो बोलने में कभी कटुता आ सकती है, जो अपन सहज सरल और सत्य बोलते हैं, लेकिन इस वाणी में क्रोध और कटुता इस मास में आ सकती है, उस बोलने के कारण कभी विवाद घर परिवार में हो सकता है, इससे सावधान रहना है। साथ साथ में रोग तत्वों का विनाश होगा, जो भी अगर पुराने कोई रोग चल रहे हैं तो वो बिना थोड़ी सी दवाई कुछ लेकर के ठीक भी हो जाएंगे, और शत्रुओं का विनाश होगा, पुरानी शत्रुता नष्ट हो जाएगी, संबंधों में मित्रों के संबंधों में वो, अच्छा मित्रों से विरोध हो सकता है, मित्रों से विरोध होगा, वाहन भूमि से संबंधित कुछ विवाद हो सकता है, माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समावेश हो सकता है। साथ साथ में कर्म क्षेत्र में कुछ नवीन आयाम जुड़ सकते हैं। कर्म क्षेत्र में अगर किसी को जॉब नहीं मिला है तो मिल जाएगा, अगर कोई प्रकार से कोई जॉब चल रहा है और विवाद चल रहा है चाप में तो शांति हो जाएगी आपसे, और पिता से स्नेह रहेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, और पिता के कार्यों से उनकी आज्ञा का परिपालन करने लगेंगे, पिता से मधुर संबंध हो जाएंगे। लाभ के क्षेत्र में कुछ कमी आ सकती है, कर्म तो होगा लेकिन लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है, कर्म अच्छा रहेगा लेकिन लाभ में कमी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान अवश्य देना है, अचानक होने वाली घटना दुर्घटना से भी सावधान रहना है, और विद्या अध्ययन जो कर रहे हैं उनमें अभिरुचि कम रहेगी, अथवा परीक्षाएं दी हैं तो उसमें थोड़ी सी अशांति का अनुभव करेंगे, मन इच्छित फल प्राप्त नहीं हो सकेगा, और साथ साथ में भाग्य की उन्नति में बहुत प्रयास करेंगे, और अनेक प्रयासों के बाद भाग्य की उन्नति होगी। साथ साथ में 3 और 4 तारीख यानी धनु राशि वालों के लिए 3 तारीख और 4 तारीख ये ज़्यादा कष्टप्रद हैं, इनमें अवश्य सावधानी से काम करें, गिरना पड़ना चोट लगना उच्चाट होना मन में उदासीनता हो जाना और अनेक प्रकार के कुछ झंझट हो सकती है, इससे सावधान रहना या मन उदासीन रहे। साथ साथ में
21 और 22 तारीख हैं। इनके लिए मित्र भेद हो सकता है, मित्रों से सहयोग नहीं मिलेगा या मित्रों से किया गया वादा निर्वाह न हो सके, विवाद हो सकता है। साथ साथ में वाहन से भी सावधान रहना, कहीं दुर्घटना न हो जाए। दूसरी है 11 और 12 तारीख हैं। अप्रैल की 11 और 12 तारीख में आपको खर्च की अधिकता रहेगी, आपका जमा खर्च नुकसान में हो सकता है, इसलिए उससे भी सावधान रहना, पैसे को बचत करके चलना। परिवार के पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि रहोगे, कुटुंबिक जीवन में अशांति होगी। इस प्रकार से आपके राशि भविष्य धनु राशि वालों का मैंने आपके सामने दर्शाया। हरिओम।